वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ಸಂಸಾರಿ ಮಾರ್ಗವು ಕೇಳಿಂದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಸಂಕೀವ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಿ ಮಾತು ಬಸವಣ್ಣ ದೂಜ ಬಿಲ್ಲಾತಿಯೇ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೃತ್ಯು ಸಮಯ ಗಾಯದ ಧೈರ್ಯ ये माँ भी है दादी भी है नानी भी है परनानी भी है परदादी भी है सब
सब दूध पिलाते, बड़े बूढ़े सब दूध पिलाते। ये संपूर्ण संसार की माँ है। गांव कैसा मैं देखा गया है, इनका भाव बड़ा विचित्र होता है। घर की रक्षा करती गाय, कई जगह ऐसी बातें हुई है, रात्रि को सो रहा है तो गाय चुरा करके उन्हें पीछे भागी, ऐसी चुरा दी और कौन चोरों को उठा दिया और बैठे हुए रक्षा करती है। जैसे माँ रक्षा करे इससे रक्षा करती है, पालन करती है, दया करती है, कृपा करती है। माँ की कृपा से सब प्रसन्न रहते, ऐसे ही गौ माता की रक्षा। गौ माता की याद करने से अंतःकरण निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कई रोगियों की ऐसी बातें सुनी गई, एक गाय के पुजारते हैं, खुशी करते हैं, उसने उनका अनुभव मिट जाता है। आप लोग भी मुझे समझे तुम करके देखो, ऐसा सुना है कई जगह। रोजाना गाय प्यार पुजार करिए, पर प्रेम से करे, रोग मिट जाते हैं, असाध्य रोग मिट जाते हैं। चंद्र मुझे शांति मिलती है गौ की रक्षा करने से, स्वाभाविक रक्षा होती है। आज गाय का महत्व जानना लोगों ने बंद कर दिया है, समझते नहीं है, ख्याल नहीं करते हैं गौ कितनी रक्षा करने वाली है। हमारी असली माँ है, माँ को, दादी को, नानी को, परनानी को, परदादी को, जो उसमें माँ रक्षा करती है। गौओं की रक्षा करने से मनुष्य संपत्तिशाली हो जाता है। हमारे आशीर्वाद से लोग और परलोक दोनों सुन होते हैं, गौओं की कृपा से। इस वास्ते गायों की कृपा लेनी चाहिए। गौ माता की कृपा से असंभव संभव हो जाता है। संसार के काम ऐसे असंभव मालूम देते हैं, गायों की कृपा से वो काम संभव हो जाते हैं। गायों की जैसे पालना की जाए तो स्वतः स्वाभाविक पालन होता है। स्वतः गायों में इतनी एक विलक्षण शक्ति है, उनको प्रसन्न किया जाए, राजी किया जाए तो गौएं प्रसन्न होने से सब तरह सुख देती है। सब अवस्थाओं में सबकी रक्षा करती है। यहाँ पर भी भाई लोग गायों की सेवा करते हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। घास भी यहाँ उत्पन्न करते हैं, गायों ने देते हैं, बहुत अच्छे है। आदमियों के गायों की रक्षा करने से स्वतः उन्नति होती है, स्वाभाविक। बीच में खाने से गलती हो जाती है, रुपये के खा जाते हैं, नहीं तो गायों की रक्षा में कमी नहीं आती। कमी आती है जब लोग इसे खा जाने, तो अगर ईमानदारी से गायों की रक्षा किया जाए तो कमी नहीं आएगी। आप करके देख लें, हृदय से शक्ति विज्ञा से गौ के पालन करते हो, गायों की बहुत रक्षा होती है। एक बात और मन में आती है, अभी सासुर में 950 के करीब थी, 950 इतनी गायों कटी हो गई है। मेरे मन में आया कि कृषि लोग आप हो, एक एक दो दो गाय अब ले लो तो पालन करे, थोड़ा दिन तो पालन कर सकते हैं। इतनी गायों एक साथ में आदमी पालन करने में मुश्किल हो जाती है,
घरों में एक दो दो गाय आप रखो तो बड़ी शुभता से गायों का पालन हो जाए। घर का खोर कोरवा और खुल गए वो देने से गाय तृप्त होती है। फलों के उस सालों के छिलके रोटी कोरवा जो घरों में होता है वो देते जाओ, बछड़ियों को पालो, बछड़ियों बड़ी गाय हो जाती, दूध देने वाली वो बढ़ जाती है। गायों की रक्षा के लिए घर की चीजों को काम में लेना चाहिए। हरेक बहनों को ये चाहिए, पहले गौओं की सेवा करती थी, उठ करके जल्दी पेशअप पेशना और गौओं की सेवा करना एक खास काम था, वो काम करना चाहिए। वह काम करने से अपनी भी रक्षा होती है, गायों की रक्षा होती है, गो वंश बढ़ता है, अपना वंश बढ़ता है, निरोगता बढ़ती है, सब तरह फायदे की बात है। आजकल लोगों की भावना कम हो गई है, पहले गायों के प्रति भावना थी बढ़िया, उसे काम ठीक हो जाता। अर धर्म काम चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली गौ माता है, अगर ठीक से पालन किया जाए और ये औषधियों का काम विशेषता से किया जाए तो गौओं की रक्षा बड़ी सुगमता से हो जाएगी। गोमूत्र से गोबर से कई दवाइयां बनती है, उन दवाइयों से रोग दूर होते हैं, इनकी कृपा से भी होते हैं और गौमूत्र गोबर से कई दवाइयां बनती है। उन बातों का उपयोग जानते कम है, इसलिए गौआ महंगी पड़ती है। अगर इन्हें गौमूत्र से गोबर से रक्षा की जाए तो अच्छा होता है। मैंने पुराने अखबारों में देखा है, गांधी जी के लेख मैंने पढ़े हैं, बूढ़े से बूढ़ा बैल हो वो अपने गोबर से अपने पानी डालता है, केवल गोबर इतना देता है जिससे मनुष्य पर भार नहीं पड़ता उसे पान करने का। तो गोबर के दवाइयां बन जाए वो बात विशेष है, नवजीवन बनी आई जैसे वैश्व में दवाया बनती नहीं थी, अब खास काफी आविष्कार हुआ है, ये अगर बढ़ जाए तो इसे बहुत लाभ की बात है, तो वो बढ़ाना चाहिए और गायों की रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें अपनी रक्षा मुफ्त में होती है। गायों का आशीर्वाद मिलता है, गायों के आशीर्वाद से मनुष्य के सब तरह से फायदा होता है, लोग और दोनों दोनों सुधरते हैं, दोनों सुधरने से सब सुधरते हैं, इस बात गायों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। गौआ संसार मात्र की माँ मानी गई है, विश्वसनीय मात्र संसार मात्र की माँ है, इस वास्ते गौओं का पालन होना चाहिए। गौओं में कोई प्रेम भाव रहता है कि द्वेष भाव रहते है, गायों के मन में द्वेष भाव नहीं है। दूध वो गौ हिंदुओं को देगा, मुस्लिमों को देगा, ईसाइयों को देगा, सबको दूध देने तैयार है, सबको प्रसाद रहती है, सबकी रक्षा करती है, इनके भीतर में राग द्वेष नहीं, प्यार नहीं रहती है, पालन करती है, परंतु गुणों का नुकसान करता है, उसे नुकसान होता है, ऐसी बात कई जगह देखी गई है। पहले बात है, जब से अंग्रेजों का राज्य था उस समय में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हुई थी, दिल्ली की बात है, तो वो दिन भर खूब हिंदुओं का नाश किया, हिंदुओं की जायदाद जला दी, जमीन जला दी, ऐसे ऐसे काम किए। शाम के वक्त में चलो भी अभी तो खाएंगे, खाना खाएंगे, ऐसा विचार करे एक गाय को पकड़ लिया, गाय डर गई, पैसा साथ में था, घबरा गई, तो पहलवान को बता दी कि तुम गाय को पकड़ लो, हम मसाला लोग लेते हैं और जो चीज लेते हैं इसे मांस पका कर खाएंगे। ऐसा विचार करके उस पहलवान पहलवानों को पकड़ लिया, पहलवानों गाय दे दी, गाय बहुत घबराई हुई थी, तो किसी तरह से दया आ गई मन में, दया से छोड़ दी, मनुष्य आए तो भाग्य के हो तो तुम ऐसे पहलवान हो, गाय तुम्हारे भाग्य भाग्य क्या
पछे चला मुकदमा, मुकदमा चला श्रेयंत में उनको फांसी हुई। फांसी हुई तो फांसी को लटकाया गया। सची बीती हुई बात है, वो पहलवान था, शरीर बहुत भारी था, तो गाय के तख्ते पर लटका कर एक खड़ा कपड़ा पहना करके नारी लंबी हो जाती है, लगी जाती है, मर जाता है आदमी। तो उस स्त्री से फांसी लगाई गई, इतना मिनट इतना मिनट कहते उतर देना है, तो उतरा तो मैं फांसी लगी नहीं, गला ढीला रह गया। हाथ क्या हुई, हाथ के मेरे दोनों पैरों में से सींग थे, उन सींगों पर खड़ा रहा, उन सींग पर खड़ा रहने से लटका नहीं तो फांसी नहीं हुई, और एक बार हो जाती है फिर बार फांसी नहीं होती, तो ऐसे बच गया वो। तो गायों के बचाने से कुछ रहा, ऐसी बात मैं सुनी एक बार अपने बीती घटना। एक ब्राह्मण देवता थे, वो गए थे बीकानेर के, गए थे शहर के रहने वाले थे, तो वो जाते थे, जाते समय बीमार हो गए। ये कल्याण में आई थी घटना, उस देखी थी मैंने, पढ़ी थी वहाँ, तो वो ठहर गए सुरु, तो गए वहाँ ज्यादा बीमार ठहर गए। सुरु विद्याधर जी वैद्य थे, वे इलाज करने हुए, तो इलाज किया उसका, तो ज्यादा बीमार हो गए, तो उनके भाई को चिट्ठी दी गई, भाई बीमार अधिक है, आ नहीं सकते, तुम आओ बचाओ, ज्यादा बीमार हो गए। तो बीमार दबते गए, उनको स्वप्न आया, सपने ने गायन दर्शन दिए कि तुमने मेरे को बचाया, मैं तेरे को बचाती हूँ। तो बात कैसे हुई, वो अपने गांव में रहता था, तो सुबह के समय जंगल गया, तो रात्रि में आई वर्षा, वर्षा आई तो गाय के दो सींग और मुख, ये तीन चीज दी थे, इतना पानी डालने में आया, जिसमें भी मुख ऊपर किया, उसे नाक में पानी नहीं जावे, और कादे में फंस गई थी, फंसने से चल सही थी, माला नहीं सुनी, तो दो सींग और मुख दिखे। उसने देखा तो गाँव है, गांव में जा करके आदमियों को कहा, उन्होंने लकड़ी काल करी, उसे उठाई, उठा करके बाहर लाए, एक दो दिन जी मरी, तब भी कांपने लग गई, मर गई। उसी रक्षा करने से गौ ने सोना दिया, तेरे कुत्ते ने मेरे को बचाया, मैं तेरे को बचाती हूँ, ऐसा उसको सुन हुआ। शुरू की बात है, फिर वो ठीक हो गया, अपने भाई के साथ गाँव चला गया। ऐसी घटनाएं मैंने कई सुनी है। तो गौवा रक्षा भी करती है, हृदय से गौओं का पालन करे। माता बहनों को चाहिए अपने घरों में जो कोरवा है और टुकड़े हैं, ऐसी ऐसी खोल की बातें हैं, वो अपने घर में करो, और भाई बहनों को चाहिए घरों में से ले आवे, वे संग्रह संग्रह कर ले, और गायों न पाओ तो ये मुफ्त में गायों के खाद्य मिल जाता है, और भावना होते है आपके घरों की वस्तु में खराब नहीं हो, गायों काम आ जाए, इस तरह से अपने घरों में उन रक्षा करो। अपना जो फालतू सी रहती है, छानस है, कोरवा है, बढ़िया चीजें थे, गायों के पालन करने बड़े उपयोगी चीजें हैं, आप यूं ही फेंक देते हैं, फेंको मत, दस्त मत करो, गायों की असली खुराक होगी, खुराक से गायों बच जाएगी। ऐसे कई गाँव में कई घरों में ऐसी बात होती है, अपने यहाँ भी होगा, नहीं तो फिर शुरू कर दो। जो फल खाया जाए और जो साग बने जाए, उनके बच्चे सिरके आदि है वो रखो, वहां श्री जो फेंक दिया जाता है वो न फेंक कर ये संग्रह करो, अरे घोषणा में पहुंचा दो, मार्ग बद्ध में पहुंचा दो, नहीं तो एक दिन में शाम को 2 बजे 1 बजे 2 बजे ला कर गायों को दिए जाए, तो घरों में से ऐसी चीज संग्रह करो जिनसे गौ का पालन हो जाए शुभता से,
अपने को जोर भी नहीं पड़ता, अपने को खर्च भी नहीं करना पड़ता, साधारण से कहूंगी रक्षा हो जाए। घर में चीजें जो निकमी जाती है, निकमी काम नहीं, लिखाऊंगी रक्षा में लिखाऊ। ऐसे अपने चेष्टा करो, बहनों माताओं से कहना है अपने घरों में हमें कोरू है जिसका बच्चे भी चीजा है रखो, खोल नहीं छो रखो, वो घर न पाओ, ये घर न खिलाओ इसको। तो अपने तो मामूली बात है, गांव की रक्षा हो जाए आप साफ ही। ऐसे गांव गुड़ दिया जाए, गवार दिया जाए, अच्छी चीजें हैं ली जाए, तो गायों को बचाने से लोगों की रक्षा होती है स्वाभाविक। यानी हमारे घर का कुछ नया खर्चा कुछ लगता ही नहीं, और खर्चे में गायों का भार हो जाता है। अपने गांव में सब स्वाभाविक चीजें सकता है, ऐसी चीजें रहती है घरों में। तो बहनों को माताओं को चाहिए कि उन चीजों की रक्षा करो, अपने घरों में रखो, एक दूसरे को नहीं दो। रक्षा की जाए तो अपने घरों में चीजें मामूली है, वे कई घरों की हो जाने से मुफ्त में कई चीजें आ जाती है, एक भगवान का पालन हो जाता है। इससे ही माताओं बहनों को चाहिए अपने घरों में ऐसा करे। वृक्षों के अनेक चीजें चीजें होती है, फलवार छिलका आदि होते हैं, घास भी यहाँ बोया जाता है, और हरा घास भी गायों को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा घास दिया जाए, हरा घास सूर्य घास के साथ मिलाकर दिया जाए तो गाय बड़ी प्रेम से खाती है, हरी चीजें देख करके वो राजीवती गो। इस तरह से अपना होना चाहिए। जो एक वो गवार बना करके रखे थे, उसको मंथ दिया जाए, पानी डाल करके मंथने से वो गौ हो जाता है, गुआर बढ़िया जड़ हो जाता है खूब, और घी लगे गुआर वो देने से गाय बड़े उत्साह से खाती है। अरे पानी खा रहे तुम्हें, यहाँ पर तो बड़े ही है, वो एक यंत्र भी है जिसमें गाय को मंथन किया जाए, वो मंथन किया जाए ऐसा होता है। कोरा गुआर देने से गुआर थोड़ा में खर्च हो जाता है, अगर उसको मंथन किया जाए या पानी डाला जाए तो गुआर बढ़ जाता है, गुआर फीस जाता है, पतला जाता है, उससे गेहूँ खाने लायक बढ़िया चीज हो जाती है, वो खाद्य पदार्थ हो जाता है। गोबर में साबत गुआर नहीं जाता, तो थोड़ा मंथ जा जाए, मंथन से बढ़िया हो जाता है। इसलिए गायों का खाद्य का प्रबंध किया जाए और घास का प्रबंध किया जाए तो अपना घास होता है। इस तरह से कहा जाए गायों की बड़ी रक्षा होती है। अभी गायों के लिए ही यहाँ बहुत से घास पैदा होते हैं, घास यहाँ से अपने भी जमीन में भी जहाँ पर गेहूं लगे हैं, वृक्ष लगाए हैं, वृक्षावली लगी है, वहाँ भी गेहूं हो गए घास और पैदा हो जाए तो वो घास गायों को दी जाए तो बड़ा काम का होगा। तो उद्योग आप लोग सच्चे हृदय से करो, और फिर पालने की जो पीढ़ी है, कई पीढ़ी अपने गौ अंक निकला है कल्याण का, बहुत पुरुष है वो गौ अंक में कई बातें लिखी है, उनकी नजर सुधारने की बातें लिखी है। अच्छा शान पालन करना चाहिए, छोटे छोटे बछड़ा है सुंदर अच्छा बछड़ा, उनको शान बनाना चाहिए, उनको गुआर दो, गुड़ दो, तेल दो, गाय ठीक हो जाए, गाय कामल हो जाए तो उन्होंने तेल देना चाहिए, घी देना चाहिए, सांड को सांड पुष्ट होंगे तो गाय में दूध अच्छा होगा, बछड़े भी अच्छे, बछड़ा बछड़े भी अच्छे होंगे। तो इस तरह से सांड को पालन करना उद्योग करना चाहिए, अच्छे सांड मंगा कर अपने गौशाला में रखना चाहिए, उनके द्वारा सबका हित होगा, गायों भी अच्छी होगी, गौओं के दूध अच्छा होगा, सांड अच्छा होने से बछड़ा अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है। इस तरह से गऊ का पालन करे, गऊ का किस तरह से खुशी हो या कैसे राजी रहे, ऐसी हृदय में भावना हो जाए। गऊ की रक्षा करने वालों के नौकरी करने वाले को चाहिए कि नौकरी के पैसे तो मिलते हैं, पर नौकरी के पैसे आप काम करो तो मिल जाएगा, पर मन में काम ऐसे रखे कि लोगों की सेवा कैसे बने, ऐसा भाव रखा जाएगा तो आप जो नौकरी करोगे
वे पैसे तो थोड़े होते हैं, आप पुण्य ज्यादा होगा, क्योंकि नौकरी में समय बिक्री होता है आपका, उस समय में आप अपने दृष्टि से अपनी रक्षा करेंगे तो उसका जो पुण्य होगा उस पुण्य की बिक्री नहीं होगी। समय बिक्री होती है नौकरी करने से, समय बिक्री होती है, पर समय जो भाव है अपना एक सौ सत्तर से मुझे चाहिए, वो भाव है, उस भाव की बिक्री नहीं होती। वो भाव आपका सच्चा रखो तो आपकी सेवा बहुत नामी हो जाएगी, बड़ी नामी हो जाएगी, ऐसी रुचि ने कर लिया रक्षा करो। गायों की रक्षा करने में भाव की मुख्यता होती है, सेवा में सेवा व्यापक चीज होती है, चीज होती है सीमित और काम होता है सीमित और मन शक्ति बल होता है सीमित, परंतु भाव में सब की सब गायें खुश रहे, सब गायें ठीक हो जाए, ऐसे भाव से रक्षा की जाए तो भाव असीम होता है। इस वास्ते सेवा से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए मनुष्य का, क्योंकि भाव असीम होता है और चीज तो सीमित ही होगी, जिस काम करोगे उतना काम होगा, तो ऐसे गायों की सेवा करने से बहुत सुधार होता है। नौकरी तो होती है, नौकरी भी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनसे लाभ होता है, पर गायों की रक्षा से बहुत विशेष लाभ होता है। इस तरह से सभी हृदय से भावना रखें, चीजों वर्तमान घर में किस तरह से गायों के पेट में चले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पैसे भी खर्च करते हैं लोग, बड़े आनंद से खर्च करते हैं, गौओं के खर्च के लिए कमी नहीं आती। सच्चे हृदय से गौ रक्षा करने वालों को पैसे खूब मिलते। अभी 10,000 करीब करीब गायों है, 900 और की तेज बताइए, 9,500 गायों हुई, तो 9,500 गाय जिनमें उनकी रक्षा करते हैं, तो वे गायों घरों में मेरे विचार आया उनका कि ये इतनी गायें इकट्ठी करके पालन करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10,000 गायों पालन करना मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा भार पड़ता है। वे भाई लोग बहनों को चाहिए, गृहस्थों को चाहिए, एक एक दो दो गायें अपने घरों में पालन करे, पालन करने के लिए गए, घरों में जाकर बेचे नहीं, बिक्री करने से कसाई में चली जाए, बिक्री न करके घरों में रखी जाए, वो इनका वितरण किया जाए, तो घरों में फैला दे, एक दो दो एक दो दो एक दो गायों दे दी जाए, तो सुगमता से बहुत आपको पता ही नहीं लगता इतने से वो पालन हो जाएगी। अरे एक सगे 10,000 पालन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसका खर्च फैलाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा दिन के लिए वो पालन कर सकते हैं, पर सदा के लिए उनका पालन करना है, तभी होगा जब घरों में आप लोग रखो, यहाँ की गायों को बछड़ियों को आप घर पर रखो, घर पर रख कर उसका पालन करो, दूध हो जाएगा, गाय हो जाएगी, बसा बसी हो जाएगी, उनकी वृद्धि होगी, तो आपकी वृद्धि होगी और आपके धर्म की वृद्धि बहुत होगी। आजकल दो जाति पर बहुत ज्यादा कष्ट है, इन हिंदू जाति पर, एक हिंदू जाति पर, दो पर बड़ा कष्ट है बार, हमारे हिंदुओं के पालन का और गौओं के पालन की रक्षा की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। अभी ये परिवार नियोजन चला है, इसे बहुत बड़ा नुकसान है। अभी मुसलमान और ईसाई ज्यादा बढ़ रहे हैं, 5-6 गुना बढ़ गए हैं मुसलमान और ईसाई बढ़ गए हैं, फिर आप परिवार नियोजन करते हैं, कहना मानते नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसे रक्षा करो, परिवार नियोजन मत कराओ, कोई प्रकाशन मत कराओ, नशबंदी मत कराओ, परिवार नियोजन मत करो, परिवार को रुकावट मत दो। माता बहनों से विशेष प्रार्थना है कि आप जन्मे दो, मुसलमानों के साथ साथ लड़के, मैंने सुने आज 3-4-5 वर्ष पहले की बात है, 3 ब्याह किए, 60 लड़का लड़की है, चौथा ब्याह फेंकना है, तो उनके ब्याह की छूट है, हिंदुओं के लिए वो ब्याह के लिए नहीं, पहले ब्याह नहीं करे छोड़ दे तो कर सकते है, दो ब्याह नहीं कर सकते, ऐसा कानून है, मुसलमानों के लिए खुली है, उनके ऐसे ऐसे ब्याह करने से संख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत संख्या बढ़ते हुए
फिर तीन काम उनका विशेष होता है, मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों को उतार देना, आम की बहन बेटी ले जाना, ये तीन काम सारे करते हैं। बड़ा भारी अन्याय किया है उन्होंने, मनुष्यों की बहुत हत्या करी है। चित्तौड़ में हिंदुओं के सूझ फैलाते हैं, एक चित्तौड़ के राजा ने ही ऐसा किया है जो हिंदुओं की रक्षा करी है। दूसरी एक बात है, मैंने सुनी है बात, नौरोजी थे, नौरोज रखते थे, ब्याह करे तो राजपूतों की अच्छी अच्छी स्त्रियों को 9 दिन अपने पास रखते, फिर वह पति के पास जाती थी, उसे बहुत नुकसान हुआ। और वे एक चित्तौड़ और एक ही बचे, हिंदुओं में सूर कहलाते हैं, उन्होंने एक बचाया, जो कोई बचा नहीं, कोई वंश बचा नहीं जिसमें मुसलमानों का संतान न हो, ऐसी बड़ी दुर्दशा। उसमें जितने हिंदू मारे गए उन जिन्हें उठी गई 74 मन हुई। बहुत पुराने आदमी जानते इन बात को, जो चिट्ठी लिखते लिखा बाद उसके ऊपर 74 लिखते थे और फिर नीचे कागजी थे, मानो चित्तौड़ माता की हत्या लगेगी तुम्हारे को, तो 74 मन हुई थी जिन्हें उधारियों के मन लगी, बिना जाऊंगी मरे से गिनती नहीं, इतने आदमी मारे गए। और उन्होंने जोर कर लिया, 2-3 बार जोर किया, सब भी मारने आग लगाई, आगे वो अपने बच्चों को ले लेकर माताओं जल गई शहर में, परंतु हिंदुओं का हाथ छुआ नहीं, उन्हें कहीं हमारे शरीर छू नहीं सके, ऐसा विचार उन्होंने किया। लड़ाई करते करते झंडा दिखा दिया, हमारी हार हो गई है, तो अग्नि शुरुआत कर गए, जल गई, अपने बच्चों को लेकर जल गई, पर खराब नहीं हुई। चित्तौड़ ने ऐसा काम किया, एक राजस्थान में एक राजा ने ऐसा काम किया, दूसरी सब राजा ने भ्रष्ट हो गई। तो ऐसी बात है, उनका राज हुआ कितना अन्याय में करेंगे, कितना करेंगे जिसे कोई ठिकाना नहीं है। इस वास्ते आप लोग परिवार नियोजन न करें, ये करना बहुत पाप की बात है। 5-7-10 पाल हो जाते हैं, मैं तो उसके तो माँ है असली, हाँ माँ है, माँ माँ असली, नहीं तो माँ कहे कि जो बच्चों को खा जाए, बच्चों को खा जाती है सरपणी, सरपणी होती है वो कुंडला मार के बैठती है, 108 मार्ग होते हैं उसे, जो बाहर से निकल गया बाहर से बच जाए, और मेरे तो खुद खा जाती है। ऐसे हिंदुस्तियाँ बारहों खा गई, एक हम दो एक और हमारे एक, और हम दो हमारे दो, ये का नारा है, इसे लगा करके अपने बालक खत्म हो गए, मैं 1000 होता 1000 ही रहेगी, हम दो हमारे दो हो गया तो 1000 रहेगी, हम दो एक हमारे एक, ऐसा करते उसे आधी हो जाएगी, आधी होती क्या दशा होगी भैंस की, बन नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते माताओं बहनों आप ऐसा मत करो, कृपा करो, प्रसार दूर से हमारी बहना कई प्रसार करती है, गर्भपात के लिए तो निषेध करके कई काम कर रहे हैं, विदेशों में भी कई संस्थाओं है ऐसी जो भी गर्भपात न करे, परंतु इन नशाबंदी और परिवार नियोजन के लिए निषेध नहीं करने हैं, आप लोग इसे निषेध करो, और आप करते हो मानते हो। इस बात से ये बात साबित हुई है, बीकानेर में अपन ऐसे आम गाँव में इतनी नहीं है संबंधित जितनी दूसरे गाँव में हुई है, ये फर्क पड़ा है इसमें, तो आप अगर विचार करो तो जरूर फर्क पड़ेगा, तो संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत बातें मैं कहता हूँ, उन बातों को सुन करके भाई लोगों ने इस विषय का विचार किया, इसमें फर्क पड़ा है जरूर। यहाँ के लोगों में कितना कितना अत्याचार हो रहा है, पहला ब्याह हुआ पहले ब्याह में जो बालक हुआ उसको गिरा दिया गया, पहले बालक एक बालक भी नहीं होने उसको गिराया, वो छोरी बेचारी होगी बीमार, बड़ी मुश्किल हो गई। यहाँ की बात है, ये आपको बताओ यहाँ की बात एकदम ऊंची सच्ची बात है, इसलिए से महाराज बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत पाप की बात है, बड़ा भारी घृणा की बात है, ऐसा आपको न कहोगे। भाई लोगों से कहना है, इसे सावधान हो जाओ, बहनों से विशेषता से कहना है कि आप लोग होशियार रहो और हमारे वृद्धि करो, रक्षा करो, रक्षा क्या दशा होगी। आजकल वोट का जमाना,
बहुत ज्यादा हो जाए उसका राज्य होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगी मुसलमान राज्य होगा, मुसलमान राज्य जो फौज में वो भर्ती होंगे, फौज में हिंदू भर्ती होते हैं मुसलमान नहीं, परंतु तो मुसलमान शुरू हो गए हैं। उनका विशेषता कहना है कि इसमें मुसलमान रहे, मुसलमान रहे तो रक्षा करेंगे नहीं, वो हिंदुओं को मारेंगे। उनका ये मंदिर जाना प्रार्थना पुस्तक जाना ये उनका काम है। बाइबल में ऐसा उनका जो ग्रंथ है कुरान में ऐसी बात लिखी है, उसको लोगों ने ऐसा सुनाया है, मैंने पढ़ा नहीं है पर सुनाया है कि काफिरों को मार देना चाहिए, जीना नहीं है। सुन्नी और शुद्ध दो वंश है उनमें, उन दोनों के आपस में बैर है, वे भी मारते हैं मुसलमानों को, हिंदू खुद मारते हैं मुसलमान मारते हैं खुद मुसलमान को, और मुसलमान से हिंदू तो सब कुछ हिंदू से भी मारेंगे, तो हिंदुओं का नाश करने के लिए ऐसी स्कीम है, वो पनप रही है, ज्यादा बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, कुछ बढ़ते हैं तो अभी हिंदू गुना 4-5-6 गुना बढ़ गए हैं। स्वराज के समय कितने देर अब कितने देखा जाए तो आपको मालूम होगा, अखबारों के पढ़ने से ये बात मालूम होती है। मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है, ज्यादा पढ़ने मेरा स्वभाव नहीं है, पर तो भी मेरे सामने देखने में यह बात आई है। इस वास्ते परिवार नियोजन को बंद करो बिल्कुल, बहनों माताओं से कह रहे माताओं थोड़ी सी आप कष्ट सह लो, नहीं तो इसमें बहुत दुर्दशा होगी मनुष्यों की, हिंदुओं के गायों की दुर्दशा है, गायों विदेशी लहरा करके रख दी है, विदेशी गायों को मार रहे हैं, विदेशी फैला रहे हैं, विदेशी गायें अच्छे नहीं आश्री मन भी अच्छे नहीं सिद्ध हुई है, उन्हें फैल हो गए तो भी राजा लोग यहाँ के जो मालिक है भी गऊ वो फैला रहे हैं, सब जगह फैलाई गऊ है, खाती बहुत ज्यादा है, वैसी तरह दूध भी ज्यादा होता है परंतु घी उसमें नहीं होता है, घी कम होता है ऐसा मैंने सुना। हर भी गाय ज्यादा होती है, अपने गाय को मार रहे हैं, और हिंदुस्तान की गाय मांस है उन्हें जानते हैं, जिनसे लोग काम लेते हैं, इनकी बहुत विशेष प्रशंसा है, इनका जितना पुष्टि होती है इतनी पुष्टि मेरी गायों से नहीं होती, इस वास्ते अपने हिंदुस्तान की गाय विशेष मारी जाती है, मारने में इनको भी लिया है, वे बैल काम के नहीं होते, ऊपर थोड़ी नहीं होने से जुमाना ठहरता नहीं, इस वास्ते बैल का काम है, बैल करते नहीं, वो बैल से काम होता नहीं है, ऐसी बातें प्रत्यक्ष देखने में आती है और उनके शान काम नहीं आते, इस तरह से बिगड़ रही है, नस्ल को बिगाड़ना लोगों ने आजकल कृत्रिम पशु करना शुरू किया है, गायों के सुई देख दूध है बड़ा भारी पाप है, वह मामूली नहीं है, गाय बेचारी बांझ हो जाती है और बहुत घबराती है, एक गाय को दूध के समय खांसा लगाती है आपने, वो दूध नहीं है वो खून की तरह होता है, वो दूध पाप वाला दूध है, ऐसा दूध पीना नहीं चाहिए और लोगों को कभी भी सुई लगानी नहीं चाहिए, शुद्ध गाय का दूध हो जिससे कि आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, भाव निर्मल होंगे, भाव अत्यंत निर्मल होंगे, शुद्ध भाव से आप गायों की रक्षा करोगे आपका निर्मलता बढ़ेगी, नहीं तो गौओं का भय जहर बढ़ता है उससे बहुत बड़ा भारी भारी नुकसान है, इस वजह गायों की रक्षा करो और हिंदुओं के वंश का रक्षा करो। माता पास बार बार मेरा कहना है कि आप थोड़ा पालन करो, आप हमारा पालन नहीं करोगे तो हमारी क्या दशा होगी, माया हो चाहे भाई हो माताओं के अधीन है, माताओं होती है उन्हीं हम जन्म लेते हैं, भाई बैठे बिना बैठी जितने सब माताओं से आई है, बिना माता है कौन है बताओ, अरे माता है अगर बच्चों का नाश करेंगे तो अपाल कौन करेगा, कैसे हम पैदा होंगे बताओ, कहाँ पैदा होंगे, पैदा होने की जगह तो आप ही हो, आप कृपा करो कि गौओं को मनुष्यों की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, वृद्धि करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अबार आपको पता नहीं है इस बात को मानते नहीं है परंतु इसका भावी नुकसान बड़ा भारी होगा, कत्ल होगी सबकी, भयंकर जमाना आने वाला है, 2000 अभी होने वाला है और उसके बाद में 5-7 वर्षों में बहुत ज्यादा कत्ल की ऐसी भविष्यवाणी सुनी मैंने, और ये बड़ी पहले भी स्थिति होती आई है ऐसी वाणी सुनी है,
इस बार जो भविष्यवाणी है उसमें युद्ध होगा, मारघाट होगी, पीछे हिंदू धर्म का प्रसार होगा, हिंदुओं से कोई रक्षा करेगा, जनता थोड़ी हो जाएगी। और इस कलयुग में विशेषता से बताया है कि पशु नष्ट हो जाएंगे, पशुओं को नाश करेंगे। 36 करोड़ थे, 36 करोड़ 10 करोड़ है अभी। पशुओं की गणना मैंने सुनी है 10 करोड़ थे 36 में, अभी बंद नहीं करते हैं। दो प्रश्न मेरा रखा है जोधपुर में, मैंने कहा था और सुनो मैंने कहा है, उसका उत्तर नहीं मिला है हमें। दो बातें, हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी तो इनकी रक्षा करने वाला क्या उपाय करोगे, इसका उत्तर नहीं मिला ठीक तरह से। आप लोगों को इतना मालूम हो, आप ख्याल करो और हमारे को सुनाओ, कहने व्याख्यान भी देंगे, लोगों को सुनाएंगे। तो दो बातों का उत्तर नहीं है, एक तो इनका, एक जो कसाई खाने में जितने 10 लाख रहे हैं, 36 लाख थे, जैसे पशु सब खत्म हो जाएंगे। कारखाना नया नया खुल रहा है, पिछड़ खाना गऊ के नाश करने का, पशु को जो गऊ है, भैंस है, भेड़ी है, बकरी है, ऐसा भी दूध भी जो किसान था बम्बई में, भैंसा पालन रखी है, गऊ अगले पालते है, गऊ बेचना, भैंस का दूध प्रसारित होता है, भैंस का दूध जितना काम का नहीं जितना गाय का दूध काम का होता है। गऊ को भैंस का दूध पिलाया गया, पुष्ट तो हो गए, पर फौज की फौज जा रही थी नदी में, निकला नदी में बैठ गए, घोड़े बैठ गए, घोड़े भैंसों का दूध पीने वाले बैठ गए वहाँ, वो भोज बर्दाश्त हुआ, तो उनको चेत हुआ कि भैंस का दूध नहीं पा रही, गाय का दूध होना चाहिए। विदेशों में गऊ के दूध के लिए गायों को मांस दिया गया, मांस खाने से गऊ ऐसी क्रूर हो गई जो सबको भाषण करने वाली, और मांस हुआ बड़ा रोगीला, जिसे वो वर्ष मांस नष्ट किया। अब विदेशों में हुई है बीती हुई घटना, मेरे को सुनी आपसे भी नहीं है, अखबारों में आई हुई आप देखा है, तो इससे बड़ा नुकसान होता है, भाइयों का नुकसान, बहनों का नुकसान होते, संतान का नुकसान होते, गायों का नुकसान हुआ है, फिर गायों का वो मांस लेना बंद किया तब उसे ठीक हुआ है। ये गायों है सात्विक है, इनमें सतुगुण है, गायों के मांस खिलाने से काम सी बात नहीं होगी, ऐसे बड़ा मुश्किल हुआ है। इस वजह से गायों की खाद्य में रक्षा करो, जल पीने में रक्षा करो। एक ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जैसे थैलियाँ बनती है, वे थैलियाँ फेंक देते हैं, थैलियाँ सूद है, थैलियाँ काम आती है, थैलियाँ पास ही भेड़ प्लग बन जाते हैं, पर गायों का नुकसान से बड़ा भारी होता है। यहाँ गाय मरी है, उन गायों के भीतर में वो प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक घटता नहीं, जमीन में 500 वर्ष तक घटता नहीं है, और वो पचता नहीं गायों के, और गाय खा जाती है, और माताओं बहनों है अपने घर का जो छिलका है, जो फलों का छिलका है, सागों का छिलका है, और उसमें रोटी है, कोरमा है, वो है जो थैली में फेंक देते हैं, वो थैली खा जाती है गाय, उसे खाने के लोभ से वे गाय पीठ में रह जाता है वो, और वो पछता नहीं, उसे गाय मरती है, बड़ी दुख पाकर मरती है। यहाँ पर जहाँ गौओं को चीरते हैं ले जाते हैं, वहाँ देख भी बात है, पक्की बात है, आप लोग खब आप लोग जाकर स्वयं खबर करो, सच्ची बात है, एकदम पक्की है, पक्की बात है, मैंने सुनी है यहाँ की बात, जाके देखा है, आपने देखा, महाराज वहाँ गए थे, जाकर देखा है, गाय स्टेशन महाराज ने देखी, महाराज ने महाराज खुद गए थे, और मैंने सुनी हुआ थे जो गाय के बीच में बड़ा तेरे तेरे खुला मरी गाय भीतर में मिलता है, वो जो पछता नहीं है, तो ये थैला से तेल बंद करो। गीता प्रेस की दुकान है वहाँ हरिद्वार में, उसमें बंद कर देंगे सारे, हरिद्वार जो गीता प्रेस में अपन थैलिया सभी कागज की अपनी शुरू कर दी है, कागज खाए गेहूँ गेहूं के पस जाएगा, ये खेलते पछते नहीं, गीता प्रेस ने बंद कर दी, बहुत लोगों ने बंद किया है, आप लोगों से प्रार्थना है आप इनकी थैली में बंद करो, अब ये थैली रखो अपनी सूत की बनाए हुए कपड़े की, उस कपड़े की थैली में लाओ, हंसो की ज्यादा होगी, कपड़े पास में रखे कौन,
और थैली में मिल जाती है, सस्ता बहुत है ये। पैसों के लोभ के कारण से गायों मरी जाती है, बहुत बड़ी दुर्दशा होती है गायों की। गाय बहुत ही दुख पावर मरती है, बड़ा दुख क्लेश पावर मरती है। तो थैली बनाने वाले, थैली का प्रयोग करने वाले पाप के भाग बढ़ेंगे, क्योंकि उसके कारण से गाय मरती है। कृपा करो, बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है कि आप रक्षा करो गायों की। एक प्लास्टिक की थैली काम में बताओ, ये फेंक देते हैं तो सस्ती पड़ती है, दस सुगमता से मिल जाती है, फेंक देते हैं। और मेरे साथ में ऐसी बातें देखी है मैंने आंखों से, इसी केस में वहाँ थैली के बीच में छिड़का और डाला हुआ, भाई ये गाय खाती है। भाई ने मेरे को बताया कि मैंने मेरे भाई को खाती हुई मुंह में से निकाली थैली, मुंह में से निकाल करके उसे निकाल करके छिड़का बाहर रखा, नहीं तो खा जाती है जो गायों को पता है नहीं, मनुष्यों को पता नहीं, जो गायों को क्या पता लगे इन बात का, जिससे मर जाती है। तो थैलियों के मना बंद करो, आप गौशाला में आप आते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, गुड़ देते हो, पूजन करते हो, कम से कम कम से कम कम से कम थैलियों बंद करो। इतने गौ मारी जाती, मर जाती मुफ्त में, कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान होता है, उन्हें गायों को नुकसान कितना होता है। वे खा जाते है पशु, कोई भी पशु जीवेगा नहीं, गायों विशेष खा जाती है, इससे मरती गायों। इससे गौ की, हिंदुओं की रक्षा की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अभी चेत करो तो अच्छा है। और बहुत सा समय बीत गया है, वृंदावन में खड़े हुए उसका स्वामी जी अब गए, अब इसने कह रहा हूँ 25 वर्ष इतना याद है मेरे को, तो 25 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष हो गया, वो तो मेरे को याद है, उससे पहले मैंने घर शुरू कर दिया है कि ये परिवार ये मत करो, जोर से विरोध में कर रहा हूँ। परंतु लोगों को पता नहीं है, मैंने कहा था बहुत कहा है मेरे को, हमारे साथ रहने वाला ने मेरे को जिद किया कि ये बात मत सुनाओ, तो कम सुनाता हूँ, उनसे कम सुनाता हूँ, पर दुख होता है, जलन होती है, इसका क्या करूँ, कहना पड़ता है। आप लोगों से प्रार्थना है, भाइयों से, बहनों से विशेष प्रार्थना है, जो आप रक्षा करो गायों की, नहीं तो प्लास्टिक थैलियों से बहुत बड़ा भय नुकसान होता है। जमीन में जहाँ ये गाड़ दी जाती है तो वहाँ पानी, उनके पानी अगर होता है, वृक्षों को रखते हैं, वो थैली निकालते नहीं तो पर्सी को पानी नहीं मिलता, पास में जमीन बन जाएगी पर भीतर में सूखी रह जाएगी, वो तो भीजेगी नहीं, जो पानी भेदन नहीं करता है वो हैज में रहता है, तो वृक्ष जल जाते हैं। और जहाँ जमीन में रहती है वहाँ घास पैदा नहीं होता, घास जो पैदा होता है जिससे गौओं की रक्षा होती है वो पैदा नहीं होता, उसमें जमीन में रुकावट कर देती है, तो गाड़े तो रुकावट कर दे, जला दे तो धुआं बड़े खराब होता है, धुआं में भी रोग के कीटाणु बहुत होते हैं, रोग करने वाले तो बालने से खराब होते हैं। ऐसे मैं तो इकट्ठी करके किस जगह गहरी घास खोद करके गहरी बाग दो, ऊपर नहीं रहे, ऊपर रहे तो घास बंद हो जाएगा, घास नहीं उछलेगा ऊपर, इससे नुकसान होता है। तो ये कर दो, बंद कर दो, जहाँ जहाँ देखो बाहर पड़ी हुई बहनों माताओं से कहना है, बाहर पड़ी हुई थैली उनको इकट्ठी करके और बेच दो, बिक्री हो जाएगी, नहीं तो ऊँडी खाओ, थोड़ी गहरी गाड़ दो, जिसमें जमीन में पड़ी रहे, गहरी घट जाएगी तो ऊपर नुकसान नहीं करेगी, जहाँ ये हो जाती पानी में वृक्षों को वृक्ष सूख जाते हैं, खेती नहीं होती, कोई घास कोई पैदा ही नहीं होती, तो आग लग जाती है, कैसे लगे वो वृक्ष जाती नहीं, जड़ा में पानी जाता नहीं, घेर घेर पानी जाता नहीं, इसे नुकसान होता है। तो एक प्लास्टिक थैलियों से बहुत नुकसान होता है, गाय बहुत मारी गई, इस वास्ते हत्या होती है, इसे रक्षा करो, जिस किसी तरह से गायों की, हिंदुओं की रक्षा करो और हिंदुओं की वृद्धि करो, नहीं तो बड़ा भारी नुकसान है, इसका इतना घोर नुकसान होगा जिसका पता कोई था नहीं है। धनी आदमी बहुत सुख होते आराम से रहेंगे, आराम कौन रहने देगा, मुसलमानों की आपस में बात हुई कभी इतने वर्ष अब जीत जिएगा कैसे, तुम करो मत,
ये हिंदुओं का सब धन हमारा ही होगा, क्योंकि बहुत से हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, बहुत से हिंदू ईसाई बन जाएंगे, हिंदू ईसाई कम हो गए, हिंदू से परिवार जीवन हिंदू कम हो जाएंगे, हिंदू सब घर से आएंगे तो इनका धन है वो हमारे हाथ में आएगा। इस वास्ते हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं के पास धन वो सब हमारा ही है, ऐसे उनकी सलाह हुई हुई है, इसलिए दशा हो रही है। हजारों सैकड़ों हजारों आदमी ईसाई बन रहे हैं, ईसाई ईसाई ऐसे मुसलमान है वे भी मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू है मुसलमान बन रहे हैं, बहुत बना रहे हैं। तो आप लोगों ने विशेष सुना नहीं है, मैंने ये देखा, मेरे पास पत्र आए हैं कि नेपाल में बहुत से हिंदू मुसलमान बनाए गए, लाख लाख मुसलमान हिंदू बनाए, हिंदू मुसलमान बनाए गए, लाख अंग्रेज बनाए गए। मेरे को लिखा तुम आओ, ये शरीर काम नहीं देता है, पहले जैसा काम नहीं देता शरीर, ज्यादा बूढ़ा हो गया है, फिर तो मैं कहता सुनाता हूँ तो आप लोग कृपा करो और इस बातों का प्रचार करो, जिसमें लोग ये थैलियां बंद करें और ये परिवार नियोजन बंद करें, इनसे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। नुकसान अगाड़ी होगा तब चेत होगा, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी। रुपया घट जाए तो फिर कमा सकते हो, परंतु जो मनुष्य घटा दिए गए, परिवार नियोजन कर दिया, बंद कर दिया, इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती। आप कितना ही अगर उद्योग करो तो भले कर लो, घाटे की पूर्ति नहीं होती। इतना बड़ा भाई भय नुकसान है, परिवार नियोजन से इतना गायों के चरे नुकसान है, इतना थैलियों का नुकसान है। दो बात है, एक इतने पुत्र खाने पैदा करते हो, ऐसे पशु मारते हो, पशु जब खत्म हो जाएंगे तो उनको जीव का क्या देगा सरकार, उनको जीव का क्या देगी, इसका प्रश्न का उत्तर नहीं है। हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी तो हिंदुओं की जगह खाली हो जाएगी तो उसका क्या उपाय है, हिंदुओं बात का प्रश्न उत्तर नहीं है। जोधपुर में चातुर्मास में मैंने कहा को बताओ, आप जो जानकार है बताओ दोनों का उपाय है। अभी हरियाणा में एक बड़ा भारी कारखाना खुल रहा है, जैसे हैदराबाद में कड़ा कारखाना है, ऐसा नया हुआ है, बन रही है और हिंदू विरोध कर रहे हैं, पर विरोध न मेरे सरकार मानती है नहीं। और बहुत बड़ा भारी कारखाना बन रहा है जिसमें पशुओं का नाश किया जाए मशीनों के द्वारा, ऐसे मशीनों है, मशीनों को लेकर गाय के पिछले पैर उठा कर ऊंधी कर देते हैं, आधा आधा काट दे, आधी गाय काट दी, आधा काटते हैं पर खून रहते थी, खून रहता है पानी नहीं होता, काट दिया जाए तो खून पानी हो जाता, खून नहीं बनता, इस बात आधी काट करके लटका आधी काटते हैं, जैसे खून गिरता रहे खुद, कितने दुख से मरती गाय, कितने कष्टों का मरती है, इस तरह से खून का टब का टब में लाते हैं, उनकी दवाएं और बनाते हैं। ऐसा दशा हो रही है और ऐसा कारखाने खुल रहे, नए नए खुल रहे, नए नए हिंदुस्तान में पहले बात है, स्वराज होते ही कर्म से पहला काम होगा गो हत्या बंद करना, जिसमें गो छह गुना सात गुना आठ गुना इतना गुना है याद नहीं है, इतना गुना बढ़ गई, सात गुना कारखाने बहुत बढ़ गए गो मारने का, हत्या करने का, एक एक गाय के 10,000 12,000 13,000 एक गाय एक गाय का खून करने से इतने हड्डी का मुस्त नारा है, चमड़े का नारा है, जीवों को लेकर के आचार बनाया है, जीव काट काट करके गायों में बस जीव से आचार बनाए है, इस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसे गायों के मन से, गायों के हड्डियों से, गायों के आंतों से, आंतों से फर्नीचर बनता है, पनीर पनीर बनने पनीर खुशबू में करता है, हिंदुस्तान की गाय से जो होता है ऐसा विदेशी गायों से नहीं होता, इस वजह से हिंदुस्तानी गायों को मारते हैं विशेषता से, विदेश लिया कर जानते हैं, दूध बहुत लोग से कई लोग खरीदते हैं उसको रखते हैं, ये विचारते नहीं गएगा इसकी दशा क्या होगी। पानी जितना निकलता है अभी बैलों के द्वारा नहीं, बैलों मार नाश किया जाता है, खिंडासर में कुआं बनाया है उसका 2-3-4 गांव में पानी जाता है, इतना पानी वो मरे वो पानी बंद हो जाता है, मनुष्य कहता है 100 रूपया लाओ तो हम देंगे पानी नहीं देंगे, 100 रूपया लगेगा नहीं कहाँ से दे, महीने के महीने 100 रूपया दो, गाँव गाँव है जो देने में कम नहीं, कमजोर आदमी है, पैसा पास में है नहीं,
रह दिया मेरे पानी बंद कर देंगे मुश्किल हो जाती है। बैलों से पानी निकाल रहे उसे बहुत फायदा है। घर में बर्फ है, कोस है और गया है, बल्ले होते बैल पैदा होते हैं, बैलों से इतने से पानी मिलता है, बैलों से खेती होती है, अन्न जल और कपड़ा, इन तीनों के बिना अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। अन्न बिना, जल बिना, कपड़े बिना, कपड़े पैदा होते हैं, बनी बड़ी पैदा होगी तब होगा, अनाज पैदा होगा तब होगा। और मारवाड़ में तो बैलों से पानी निकालते हैं, हाथ से खेच कर बैल निकाल नहीं सकते, सास सास कुछ नीचे उठती जकड़ा जमीन है, गरी जमीन, उस गरी जमीन ने मतलब हाथ से पानी कैसे निकाले, निकाल नहीं सकते। बैलों से निकलता है, उनसे काम बनता है। आजकल बैल कम हो गए, ऊँटों से काम करते हैं, पर ऊँट भी मारना शुरू कर दिया है, ऊँट भी थोड़े हो गए। हर एक पशुओं का नाश करना बड़ा जोर से काम कर रहा है, मच्छरों को नाश करते हैं, कीड़ियों का नाश करते हैं। आप देखते हो घरों में पहले कीड़ियाँ होती थी, ऐसी कीड़ियाँ छोटी कीड़ियाँ नष्ट हो गई, बड़ी कीड़ियाँ नष्ट हो गई है, हर एक तरह नहीं होती, वे सब मार दी गई। जंगलों के बड़े बड़े पशु नाश किए भी है, नदियों के ऊपर गंगा जी के ऊपर पहले जंतु थे, वो थे जंगल के पशु नष्ट, छोटे छोटे नष्टों को नाश करने का धुआं छेड़ दिया। मैंने खुद ने देखा है जयपुर में, जो कुआं खूब भर धुआं फैलाते है, उन धुएं से जहरीली हवा से सब छोटे छोटे जंतु मर जाते हैं। कहना दिवाली के दिन जब दिवाली होती दीवा होता था, दीवे में कितने मच्छर आते थे, आज का दीवे में तो मच्छर नहीं आते, मच्छर है ही कम थे। तो मच्छरों को, दांतों को, गायों को, भेड़ों को, बकरियों को, जानवरों को, सांप को, हाथियों को मार मार के लिए नाश कर दिया है। अब सर्पों के नाश करने का बंद किया है, सर्प को ला करके खुटी कर दे रहे, चीते चीते का चमड़ा उतारे, इससे सांप नाश है। सांपों का बंद बन गया, अभी सांप मर जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, तो सांपों को मत मारो, हाथियों को मत मारो, ऐसा कुछ काम किया है, फिर भी इनको मारते हैं। ऐसी दशा हो रही है जंतुओं को नाश करने की और हिंदुओं को नाश करने की। तो सज्जनों आप लोगों से कहना है कि बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, मनुष्यों को बचाओ, पशु पक्षियों को बचाओ, नहीं तो दुर्दशा होगी। जंगल के पशु कम हो गए हैं और घर में रहने वाले पशु कम हो गए हैं, 36 करोड़ 10 करोड़ मर जाएगी तो दशा क्या होगी, इसका उत्तर नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है इनकी रक्षा करो, आपसे ये विनती है, हम कह सकते हैं उत्तर करें। एक सोनलाल जी के पास में अभी नए वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किया है, हाँ। एक गाय के द्वारा एक साल में 40,000 रूपए की आमदनी हो सकती है, गोबर से गोबर कैसे, तो वो ये बहुत सस्ता काम बता रहे थे, तो इन्हें बता रहे तो 5-7-10 मिनट में आप बोलो, मजे से बातें बताइए, सुनाओ क्या औषधि से बात होती है, तुझे सुनिए से बताओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 28 अक्टूबर 1998 को गोपाष्टमी के पर्व पर प्रातः लगभग 8:30 बजे से मुरली मनोहर गौशाला हीनासर बीकानेर में हुआ। राम।